टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा कौसा में वैक्सीन लगाने के लेकर लोगों में काफी जागरूकता लाने की जरूरत है, जिसके लिए मुंब्रा प्रभाग समिति में आज मनपा अधिकारी मनीष जोशी, धनंजय गोसावी, सागर सालुंखे, इसके अलावा नगर सेवक राजन किने, मोरेश्वर किने, नगर सेविका फरजाना शेख, हसीन राउत, ऐसे तमाम लोगों के साथ में मीटिंग ली गई थी। मुंब्रा कौसा में वैक्सीन लगाने के लिए जिन लोगों में काफ़ी डर पैदा हो रहा है, कुछ लोग इसे हराम और हलाल की नज़र से भी देख रहे हैं, ऐसे में वैक्सीन लगवाने के लिए काफ़ी जागरूकता लाने की ज़रूरत है। मुंब्रा कौसा में वैक्सीन लगवाने वालों की अभी काफ़ी कमी है, क्योंकि मनपा अधिकारी ने बताया है कि मुंब्रा कौसा में पहला डोज करीब 1,00,000 लोगों ने लिया है और जो दूसरा डोज ले चुके लोग हैं उनकी संख्या करीब 2,00,000 के करीब है। मनपा अधिकारियों ने लोगों से आग्रह किया है कि वो बिना डरे वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि ये वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है। इसके अलावा मनपा अधिकारियों ने मुंब्रा कौसा के तमाम मस्जिदों में जो इमाम साहब हैं उनसे भी आज मीटिंग करेंगे, ताकि मस्जिदों से भी अपील की जा सके कि लोग वैक्सीन लगवाने में आगे आएं और बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मनपा अधिकारी ने बताया कि रविवार के दिन ठाणे महानगर पालिका की तरफ से 60 टीमें मुंब्रा कौसा में अलग अलग वार्डों में वैक्सीन लगवाने के लिए भेजी जाएंगी और हर इलाके के नगर सेवकों की जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने इलाकों में लोगों को वैक्सीन लगवाएं, तभी वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा हो। वहीं वैक्सीन न लगवाने वालों की एक वजह ये भी सामने आ रही है कि लोग बिना वैक्सीन लिए ही फर्जी सर्टिफिकेट 1,000-2,000 रुपए देकर बनवा ले रहे हैं, जिस पर कॉरपोरेशन को भी बेहद कड़ा रुख अख्तियार करने की जरूरत है। ऐसे में लोगों पर कार्रवाई हो, अगर फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर देने वालों पर लगाम लगेगी तो लोग वैक्सीन लगवाने के बाद ही सर्टिफिकेट पा सकेंगे और लोगों में अवेयरनेस भी आएगा। फर्जी सर्टिफिकेट का खेल बंद होना बेहद ही जरूरी है। आज मुंब्रा प्रभाग समिति में हुई वैक्सीन के प्रति लोगों में जो जागरूकता लाने के लिए मीटिंग की गई, इसमें ये भी फैसला लिया गया कि जमात इस्लामी की महिला विंग का भी सहारा लेने की चर्चा हुई है कि इसमें घर घर जाकर महिलाओं को, खास तौर पर जो घर में महिलाएं रहती हैं उन्होंने वैक्सीन लिया है या नहीं लिया है, उनमें जागरूकता की जाएगी ताकि वो भी वैक्सीन ले सके। मुंब्रा प्रभाग समिति में आज जो वैक्सीनेशन को लेकर एक मीटिंग रखी गई थी, उसमें मनपा अधिकारी मनीष जोशी और डॉक्टर हिमांगी मैडम और साथ ही मनपा अधिकारी धनंजय गोसावी ने क्या कुछ बताया है, सुनिए। आज प्रशासन की तरफ से एक ऐसा प्रोग्राम सब सम्माननीय सदस्य के सामने रखा गया कि संडे को प्रशासन की तरफ से 60 टीमें सिर्फ मुंब्रा प्रभाग समिति के लिए दी जाएंगी। हमारे सब सम्माननीय सदस्य जो कि 16 सदस्य हैं और जो एक्टिव लोग हैं ऐसे 4 पकड़ के, ऐसे हमारे 20, हर एक को हम 3-3 टीम देंगे और हमारे सम्माननीय सदस्य डिसाइड करेंगे कि उन्हें अपने वार्ड में ये 3 टीम का डिप्लॉयमेंट कहाँ करना है, कैसे करना है, ये हम उन पर छोड़ रहे हैं। हम आपको डॉक्टर्स देंगे, हम आपको नर्सें देंगे, हम आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर देंगे, उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये हमारे नगर सेवक डिसाइड करेंगे। और जो हर घर दस्तक, ये जो सरकार का जो प्रोग्राम है जिसके तहत फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन 100% हमको करना है, उसके लिए हम जद्दोजहद अपनी करेंगे। बहुत लोगों के दिल में अलग अलग भरम है वैक्सीनेशन को लेकर, तो किस तरह से आप उसको दूर करेंगे, जिस तरह से मस्जिद के इमाम साहब हैं या और अन्य भी लोग हैं, इनके तरफ से किस तरह से जागरूकता जो है आप फैलाने की कोशिश करें कि लोग बढ़ चढ़ कर वैक्सीन लें। एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, वैक्सीनेशन न लेना लेना ये किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं, मैं इस चीज़ में विश्वास नहीं रखता। फिर भी प्रशासन का ये कहना है और ये हमारा अनुभव है कि समाज के जितने भी रिस्पेक्टेड लोग हैं, फिर वो हमारे इमाम जी हो, हमारे मंत्री महोदय जी हो, हमारे सम्माननीय नगर सेवक हो, इनकी हम मदद लेने वाले। आज हमारे कई पत्रकार गण भी हमारे मित्र आए हुए थे, उन्होंने भी हमें बहुत अच्छे सजेशन दिए और इसीलिए पहली बार हम ऐसा करने वाले हैं कि अगर हमें अभी अपना वैक्सीनेशन 100% करना है तो सबसे पहले हमारे मुंब्रा के जितने भी तमाम रिस्पेक्टेड हमारे मौलवी जी हैं, हमारे इमाम जी हैं, उन्हें हम रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि आप लीड लीजिए,
वैक्सीनेशन का प्रोग्राम का अगर कोई लीडर होगा तो वो उस एरिया के मस्जिद के सम्माननीय इमाम जी होंगे। तो सबसे पहले तो मैं उनसे विनंती करता हूँ कि आप वैक्सीनेशन करा दीजिए। अगर हमारे सम्माननीय इमाम जी का वैक्सीनेशन हो गया तब तो लोग उनका सुनते ही हैं, ऑटोमेटिकली वैक्सीनेशन हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले हम सम्माननीय हमारे जो इमाम साहब हैं, सब इमाम साहब, हमारे जो नगर सेवक हैं, उन्होंने बोला हम अपने अपने इलाके की जो मस्जिदें हैं उनके जो सब इमाम हैं उन्हें हम विनंती करेंगे कि पहला वैक्सीनेशन आप लीजिए। एक बार उसके बाद आपने ऐलान कर दिया कि देखिए मेरा वैक्सीनेशन हो चुका है तो सब लोग वैक्सीनेशन करेंगे। जोशी साहब, बहुत सारे लोग हैं जो पुरानी बीमारियों में कहीं ना कहीं मतलब लिप्त हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, किन्हीं के कैंसर्स के ऑपरेशंस हुए, कीमोथेरेपीज हुए, ऐसी बहुत बड़ी तादाद है समाज में। ऐसे लोग जो है वो कोविड का डोज लेने से जो है वो आगे पीछे होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम पहले से बीमार हैं और कोविड का डोज जो है वो हमको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट दे जाएगा, इफेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसके ऊपर जो है ऐसे लोगों से क्या मतलब आप कहेंगे, उनको कन्विंस करने के लिए किस तरीके का रास्ता अपनाया जाएगा? मेरे ख्याल से इस सवाल का आंसर मेरे जो डॉक्टर्स ही हैं, घोड़े मैडम है, डॉक्टर प्रशांत है, वो देंगे। हिमांगी मैम, क्या कहेंगी आप ऐसे लोगों के लिए, क्या अपील है आपकी? एक्चुअली जब ये वैक्सीन लॉन्च हुआ 16 जनवरी 2021 में तभी हमेशा बोला गया है कि वैक्सीन जो है सेफ है, हर किसी के लिए वो सेफ है। जिसको डायबिटीज़ है, कैसे हम लोगों ने वैक्सीन रोल आउट किया, पहले सीनियर सिटीजन्स को किया, तो एज ग्रुप बहुत पहले हेल्थ सेक्टर और इमरजेंसी सर्विसेज में जो लोग थे उनके लिए, और उसके बाद जो पॉपुलेशन के लिए खुला गया तभी हाई रिस्क जो है जैसे सीनियर सिटीजन्स है, फिर डायबिटिक है, फिर जिसको कैंसर है या ब्लड प्रेशर है, इनके लिए पहले हमने देना चालू किया क्योंकि ये वो लोग हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं और उनको कोरोना वायरस से इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो उनको उससे प्रोटेक्ट करने के लिए वैक्सीन की काफ़ी ज़रूरत है, इसके लिए उनको पहले ही चालू किया। इसका मतलब ये है कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, इसीलिए उनको पहले ही कंसीडर किया गया है, उसके कोई दुष्परिणाम नहीं है। कोई दुष्परिणाम नहीं है। अब तक अपने इलाके में कम से कम 50,000 से भी ज़्यादा लोग जो है ये एज ग्रुप के, और जिनको डायबिटीज कोमॉर्बिड है, कोमॉर्बिड सिचुएशन है, ब्लड प्रेशर है और कोई कैंसर की भी मरीज है कि उनको कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी मिल चुका है, उनको हम लोग वैक्सीन दे चुके हैं। और अच्छी बात यह है कि अब तक उनकी कोई भी कुछ तकलीफें या साइड इफेक्ट्स अपने को पता नहीं है, आई नहीं अपने तक, है ना, इसका मतलब कि काफ़ी सेफ है वैक्सीन। मैम, आप कौसा विभाग की हेल्थ ऑफिसर हैं, आपके साथ में डॉक्टर पाटेकर जी भी खड़े हुए हैं, मुमरा विभाग के हैं। तो हमारे शहर में वैक्सीन को लेकर के मतलब पहला टीका ही जो है अब तक 1,00,000 लोगों का लगना बाकी, जैसा जोशी सर ने बताया, तो ये जो उदासीनता है तो इसके हिसाब से अभी अनुपात क्या है पहले डोज का और दूसरे डोज का, कितना लग चुका है और कितना लगना बाकी है? कोई एकदम एग्जैक्ट फिगर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मोटे तौर पर भी आप जानकारी दे सकते हैं कि जिससे लोगों को जो है हम बोल सके कि काफ़ी कमी है हमारे यहाँ पर। नहीं, देखिए कैसा है कि जैसे एक रफ एस्टिमेट है जी कि मुमरा प्रभाग समिति में फर्स्ट डोज जो है वो ऑलमोस्ट 1,00,000 का शॉर्टेज है जी। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि जो सेकेंड डोज है, हाँ, तो इधर ऑलमोस्ट कवर होता लग सर, आणि आता जे एवढे राहिले थे 1,00,000 नाही हे जे 1,00,000 जे फर्स्ट डोज, ऑलमोस्ट 2,00,000 सेकंड 2,25,000 2,25,000 तक के लिए तो सेकंड डोज का कवरेज बाकी है, जो फर्जी सर्टिफिकेट लोग बनवा ले रहे हैं तो इसके रोकथाम के लिए भी कुछ कदम उठाए जा रहे हैं आप लोग की तरफ से कि कैसे फर्जी सर्टिफिकेट बना कर दिया जा रहा है? फर्जी सर्टिफिकेट जो लोगों ने हमारी तरफ से कौसा सेंटर से एक दो सर्टिफिकेट गए थे और वो गलती से चले गए थे, जिसने दिया था उसका नंबर मोबाइल का और दूसरे का नंबर मोबाइल का, जब हमने दोनों का सर्टिफिकेट मंगाया उसमें से एक निकला बराबर, और इसके लिए अपन अभी आदमी क्या करते हैं कि इधर से एंट्री हो गई कंप्यूटर में से तो डायरेक्ट चले जाते थे बाहर, तो ऐसे लोगों को लगता है कि भाई अभी वैक्सीनेशन तो मैं करके आया, तो ऐसा नहीं, अभी हम कंप्यूटर में एंट्री करेंगे तो बाहर पूछेंगे डॉक्टर साहब इसका वैक्सीनेशन हो गया है क्या, तो ही बाहर जाएगा, नहीं तो बाहर नहीं जाएगा। ठीक है,
उसको हम प्रूव करना, किसी को भी बोगस मुमरा से सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं, ये ट्राई हमारा रहेगा। और जो भी पीछे मिले वो कल्याण नोमोली से मिले, अपने इधर के लोग नहीं।